असल में हमारे ड्राइवरों को हर चेक पोस्ट पे तंग किया जाता है, हर कस्टम के हर चेक पोस्ट को चेक पोस्ट पे आपको मवाली अहलकार मिलते हैं। ये गुंडा इन लोगों ने जो वहाँ पे रखे हैं, ये ड्राइवरों को जो इन लोगों ने मारा था, ये ड्राइवर भी कह रहे थे इनके मुंह से शराब का बदबू आ रहा था, इनका इंस्पेक्टर भी नशे में था, इन ड्राइवरों के ऊपर इतना जुल्म किया था इन लोगों ने। पूरे कराची में जितने भी कस्टम के चेक पोस्ट है सब पे प्राइवेट एहलकार रखे हैं इंस्पेक्टरों ने। इंस्पेक्टर खुद शराब पी के अपने उसमें कमरे में टुन होके बैठता है, इसके एहलकार जो है प्राइवेट एहलकार लोगों पे जुल्म करते हैं। इसके लिए हमने वो किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज किया है, एहतजाज भी कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर मुझे ये बताया कितने लोग जख्मी हुए अभी तक आप लोग? ये जख्मी दो लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो है बहुत ज्यादा जख्मी थे। अभी मुतालबा किससे कर रहे हैं आप ये बताएं? मुतालबा आला हुकाम से कर रहे हैं सर, कलेक्टर कस्टम से ये वो कर रहे हैं, चीफ कलेक्टर साहब से और वजीर आला सिंध साहब से कि कस्टम हमारा बेहतरीन मोकमा है, इसको जो है ये काली बेड़ों से जो है साफ किया जाए। थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसके बाद ये मुजाहरा भी यहाँ पे हो रहा है। असल में इस मुजाहरे का मकसद ये है कि परसों रात को अब्दुल नबी और उसके साथ उसका जो कज़न था मोहम्मद अली, ये हैदराबाद के लिए पैसेंजर लेके जा रहे थे, तो रास्ते में इनको कस्टम वाले ने रुकने की इशारा किया। ये इस डर के मारे नहीं रुके कि कहीं ये चोर ना हो, हमें लूट न ले। इन्होंने यू टर्न लेकर वापस कराची की तरफ जब रवाना हुए तो गड्ढा पुल के आसपास जो है इनको दबोच लिया गया, फिर इनको अपने चेक पोस्ट के पास ले गए, वहाँ पर इनके ऊपर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया, जानवरों जैसा इनके साथ सलूक किया गया, सुबह तक उनको उल्टा लटकाया गया और सुबह जब इनको छोड़ दिया तब हमें पता चला। सारी रात हम परेशानी में थे। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहरे दोनों का मकसद यही है कि ये जो इनके सब इंस्पेक्टर तौसीफ, कांस्टेबल असद, आकिब और आफ्ताब शाह, ये इनके गुंडे हैं, इनके पास किराए के लोग भी होते हैं, ये बलूचिस्तान के आवाम को, ये ड्राइवर्स को, ये जो इलाज मुआलजे के लिए यहाँ आते हैं, इनको भत्ते लेने की वास्ते तंग करते हैं। जब भत्ता नहीं दिया जाता है इनको तो इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये महकमे कस्टम के आला हुकाम कम से कम इनके खिलाफ इनको लगाम तो दी जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनको मुअत्तल किया जाए ताकि ये मजलूम जो आवाम है इनको इंसाफ मिले। और खुसूसन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि जो जुल्म और ज्यादती बलूचिस्तान के ड्राइवर और बलूचिस्तान के लोगों के साथ कराची कस्टम कर रहा है वो पाकिस्तान के किसी कोने में नहीं हो रहा है। जुल्म और बर्बरियत का इंतहा यहाँ पे है कि पूरी रात लड़के को उल्टा लटकाया जाए और उसको मारा जाए। किस जुल्म, किस महकमे और किस कानून के तहत आप ये कर रहे हैं? और वहाँ पे तीन बंदे, असद, आफ्ताब शाह और अकीब नामी लड़के, जो प्राइवेट या प्राइवेट ना होना तो सिपाही कांस्टेबल, लोगों को रोड से उठा के चेक पोस्ट पे ले जाके डंडों से मारा जाए और सुबह उनको रिलीज किया जाए, ये किस कानून में है? हम आला हुकाम क्यों की जा रही, क्या वजह है? वजह यही है कि सर वो आए थे प्राइवेट गाड़ी में लोगों को उठा के जाके मारना, फिर उनका तो मकसद एक ही था कि पैसा निकालना, पर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उनको पैसा भी ना मिला और बंदे रिलीज हो गए। और इस खौफ और इस डर की वजह से उन्होंने रिलीज किया कि बंदा बहुत ज्यादा टॉर्चर था और जख्मी था। तो अभी मुतालबा किससे कर रहे हैं? मुतालबा आला हुकाम, मेंबर कस्टम, मेंबर एफबीआर, तारिक ओदा, चीफ कलेक्टर कराची और खुसूसन कलेक्ट्रेट जो जिसमें ये एहलकार है, उस्मान बाजवा साहब से हमारा अपील ये है कि इन एहलकारों को निकाला जाए और इन एहलकारों को फौरन से फौरन मौत, उससे भी आला हुकाम वजीर आजम तक जाएंगे, एफबीआर के मेंबर तक जाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएंगे, जहाँ पर मजलूम का आवाज़ सुना जाएगा वहाँ तक इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे।